जब मैं ऑनलाइन रिसर्च भी कर रहा था, काफी जगहों पे मैंने देखा है कि आप चूज कर सकते कि आपको कौन सा प्रोसीजर चूज करना है, और वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। मैंने कहा कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, आपको बताना चाहिए कि मेरे लिए क्या अप्रोप्रिएट है। जी रहते हैं यूके लंदन में, इन्होंने हमसे ट्रांसप्लांट कराया था एक साल पहले। जब सुशांत जी आए थे तो कुछ एरिया ज्यादा ही खाली था, फ्रंट से बैक, और ये इतने यंग थे, स्टिल बॉल्डनेस के कारण परेशान थे। ये सेल्फ खुद एक्टर हैं, एक्टिंग करते हैं, और ऑब्वियसली एक्टिंग में जो फ्रंटल लुक है और हेयर लाइन है और हेयर है वो बहुत मायने रखता है, तो थोड़े परेशान थे उस टाइम। एक साल पहले जब इन्होंने कंसल्ट किया तो ऑब्वियसली वर्ल्ड वाइड दुनिया में कहीं भी जा सकते थे, इन्होंने हर जगह ढूंढा, और स्पेशली पास में टर्की है लंदन में, तो टर्की जाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस इनके पास थे, इंडिया में भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। फिर इन्होंने किसी तरह सर्च करके उससे कॉन्टेक्ट किया, एंड आई एडवाइज हिम कि हम स्ट्रिप और एफयूवी का कॉम्बिनेशन करेंगे जिससे ज्यादा एरिया कवर हो, और स्पेशली हेयर लाइन पे मैंने इनका बहुत ध्यान दिया, जो नेचुरल दिखे, डेंस दिखे। तो डेंस और नेचुरल हेयर लाइन बनाने का एक ही तरीका है, ज्यादा ग्राफ्स हो और सामने की तरफ सिंगल हेयर ग्राफ्स लगाए जाए प्रॉपर पैटर्न में, आर्टिस्टिक पैटर्न में। जैसा कि आप देख रहे हैं एक साल बाद बिल्कुल नेचुरल हेयर लाइन दिख रहा है और ज्यादा एरिया भी कवर्ड है। सुशांत जी, आपका क्या एक्सपीरियंस था? आप लंदन से आए थे इतने दूर से विश्वास करके, और एक साल बाद अपन मिल रहे हैं, तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा? पहले कॉन्फिडेंस जीरो था, अभी 100% हो गया है। वेरी गुड, दैट इज द बॉटम लाइन। एब्सोल्युटली। एक्चुअली क्या था मेरे साथ कि मैं बहुत नर्वस हो जाता था लाइट के सामने, नेचुरली स्टेज पे परफॉर्मेंस करते टाइम, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे आया था काफ़ी रिसर्च करके, इन द सेंस कि आपके जो क्लाइंट्स थे प्रीवियस वो कौन थे, उनका रिजल्ट कैसा था, और फोटोज वीडियोस वगैरह देख के उनके इंटरव्यूज, फिर आपके क्वालिफिकेशंस मैंने उसमें थोड़ा सा रिसर्च किया। जब भी ट्रांसप्लांट सेंटर सर्च करें हमेशा चेक करें प्लास्टिक सर्जन है वेल क्वालिफाइड है कि नहीं, कितने साल का उसको एक्सपीरियंस है, सर्जरी कितने साल से वो कर रहे हैं, कितने ज़्यादा पेशेंट किए हैं, और कंसिस्टेंट रिजल्ट हैं कि नहीं। ऐसा नहीं कभी रिजल्ट आते हैं कभी नहीं आते, ऐसा बाकी पेशेंट के रिव्यूज कैसे हैं पुराने पेशेंट्स के, उससे जरूर आप पता लगा पाते हैं कि किस तरह के रिजल्ट्स आपके भी आ सकते हैं। मुझे जो काफी अच्छा लगा था कि एक दिन पहले, सर्जरी से एक दिन पहले मेडिकल चेकअप, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने काफी जगह रिसर्च किया था जहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सेफ्टी हमेशा पहले देखी जानी चाहिए, बिकॉज आजकल हम लोग न्यूज सुनते हैं कि कहीं पे कॉम्प्लिकेशन हो गए, इनफैक्ट डेथ तक हो गई इस तरह की कॉम्प्लिकेशन हमने सुने। रीजन उसका वही है कि कई बार चेकअप्स प्रॉपर नहीं होते, टेस्ट प्रॉपर नहीं होते, ऑपरेशन थिएटर की क्लीननेस और हाइजीन पे ध्यान नहीं दिया जाता, या कई बार अनट्रेन्ड लोग ही सर्जरी कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली माय पॉइंट। बहुत कॉमन कॉज है कॉम्प्लिकेशंस होने का, तो हमेशा चेक कीजिए कि आप जो सर्जन से सर्जरी करा रहे हैं वो एक्चुअली क्वालिफाइड है कि नहीं है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर है कि नहीं है, इमरजेंसी इक्विपमेंट्स है कि नहीं, कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रहा हो तो आप हैंडल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यस, सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है, अगर आप सेफ्टी चाहते हैं तो ऑब्वियसली सेफ्टी तो हर कोई चाहता है, तो ये सारी चीजें देखना जरूर चाहिए। बिल्कुल, वो तो एक पार्ट है। सेकेंड जो दूसरा पार्ट है वो है हेयर लाइन डिजाइन। अब जैसे कि आप मेरा फोरहेड देखेंगे, बचपन से ही मेरा ब्रॉड हेयर लाइन है, ये काफी, ये जो फोरहेड है काफी ब्रॉड है, आपने वही मेंटेन किया है, नहीं तो फिर वो नकली लगेगा। बचपन में ही मेरे इतने, अगर आपने यहाँ तक कर दिए, बचपन में भी मेरे बाल वहां पे थे ही नहीं, तो फिर बहुत अननेचुरल होता है। तो एक रेशियो होता है जो आर्टिस्टिक रेशियो बनाना पड़ता है कि हेयर लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी, किस तरह से स्लैंट जाएगी, फिर हेयर लाइन में सिंगल हेयर ग्राफ्ट लगेंगे, थोड़े जिगजैग पैटर्न में लगेंगे, उसके जस्ट पीछे थिक हेयर ग्राफ्ट लगेंगे जिससे डेंसिटी अच्छी आए, तभी आपकी हेयर लाइन भी नेचुरल दिख रही है, डेंसिटी भी अच्छी आई है। फिर कॉम्बिनेशन किया जाए स्ट्रिप और एफी का, जैसे आपने कॉम्बिनेशन करे, करीब 4,500-5,000 ग्राफ्ट अपन ने लगाए, हाँ जी, फ्रंट भी और सेंट्रल पार्ट भी अच्छे से कवर हो गया। स्ट्रिप और कॉम्बिनेशन करने से फायदा ये भी होता है कि पीछे डोनर भी खराब नहीं होता है, पीछे जैसे आप ऐसा नहीं एहसास होता होगा पीछे बाल कम हो गए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, स्कार वगैरह कोई प्रॉब्लम स्ट्रिप से? नो, इनफैक्ट अभी स्कार मुझे भी ढूंढना पड़ता है, मिलता नहीं। नहीं, बिल्कुल वो ट्राइकोफैटिक क्लोजर है जो मैं करता हूँ, ऑब्वियसली कॉस्मेटिक सर्जन जो होते हैं बिल्कुल फाइन सर्जरीज करते हैं, और ट्राइकोफैटिक क्लोजर करने के बाद वो स्कार ऑलमोस्ट गायब जैसा हो जाता है, और एफयूवी भी किया हुआ लेकिन कम क्वांटिटी में, इसलिए पीछे की डोनर डेंसिटी बिल्कुल कम नहीं हुई है। इनफैक्ट दोबारा भी जैसे अपन करने का प्लान करें तो 4,000 ग्राफ्ट तक दोबारा भी उसी डोनर एरिया से लिए जा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिप को दोबारा हार्वेस्ट किया जा सकता है, एफयूवी भी दोबारा से लिया जा सकता है।
बिल्कुल, और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं पहले उस बात को लेके काफ़ी नर्वस था कि एक बार सर्जरी किया है तो फिर अगर और ग्राफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी या फिर इन द फ्यूचर अगर ज़रूरत पड़े तो मैं सर्जरी कर पाऊंगा कि नहीं, वो कंसर्न था। तो आपने इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ अभी फ्रंट खाली है और पीछे अभी बाल है, ऐसी कंडीशन में भी डोनर से इसी टेक्निक से निकाले जाए कॉम्बिनेशन करके, जिससे अगली बार दोबारा भी कभी जरूरत पड़े, हो सकता है 2-5 साल में पीछे का एरिया खाली हो जाए या फिर आपका बड़ा एरिया है तो ऑब्वियसली पीछे भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, उसमें भी कंप्लीटली कवर हो, तभी पॉसिबल है जब राइट टेक्निक यूज किया जाए, जैसे कॉम्बिनेशन करें स्ट्रिप और एफयू कर, साथ में बियर्ड भी कर किया जा सकता है, इन सब से ही ज्यादा बाल निकाल के अपन डेंसली और बड़े एरियाज कवर कर पाते हैं। डोंट यू फील कि कॉम्बिनेशन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, आपने सर्च किया हो तो आपको पता चला हो कि स्ट्रिप और एफयू कॉम्बिनेशन करने वाले सर्जन वर्ल्ड वाइड ही कम है। हाँ जी, और मैंने इनफैक्ट जब मैं ऑनलाइन रिसर्च भी करा था काफी जगहों पे मैंने देखा है कि आप चूज कर सकते कि आपको कौन सा प्रोसीजर चूज करना है, और वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। मैंने कहा कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आपको बताना चाहिए कि मेरे लिए क्या अप्रोप्रिएट है। एब्सोल्युटली, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स खुद से चूज कर लेते हैं कि नहीं मैं एफयू ही कराऊंगा, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि डॉक्टर ही राइट पर्सन है ये सजेस्ट करने के लिए कि एफयू टी किया जाए कि एफयू ही किया जाए कि कॉम्बिनेशन किया जाए, तो ऑलवेज डॉक्टर से ही पूछिए। और डॉक्टर भी अगर दोनों सर्जरी जानता होगा तभी वो दोनों के प्रोज और कॉन्स अच्छी और खराब बात बता पाएगा। जनरली ऐसे बहुत जगह देखा गया है कि एफयू ही कॉमनली होता है और एफयू के बारे में बताया जाता है, एफयू टी को आउटडेटेड प्रोसीजर बोल के मना कर दिया जाता है, ऐसा बहुत कॉमन होता है। तो आप ऐसे जिनको जरूर कांटेक्ट करें जो एफयूटी एफयू दोनों करता हो, वही आपको राइट चॉइस बताएगा कि आपके लिए सही क्या है। ज्यादातर जगह जहां पे कॉम्बिनेशन होता है वहां पे बायस नहीं रहते, वो दोनों चीजों के बारे में आपको सही सही बता देते हैं और कंबाइन करके ऑब्वियसली ज्यादा अच्छे ग्राफ निकाल कर। ऑपरेशन के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन, नेक में कोई तनाव, स्ट्रेचिंग जैसे लोग बोलते हैं, स्ट्रिप से परेशानी हो जाती है? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, इट वाज वेरी कंफर्टेबल। आप लंदन कितने दिन बाद चले गए थे? मैं 2-3 दिन के बाद ही चला गया था। दो तीन दिन इसलिए क्योंकि मैंने सोचा कि मम एंड डैड के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लूं, अदरवाइज मैं बिल्कुल फिट था ट्रैवल के लिए। और वहां जाके जॉब कब से स्टार्ट कर लिया आपने? स्ट्रेट अवे। इज इट? Yeah, मैंने कोई छुट्टी नहीं ली थी उसके लिए। तो ऐसा नहीं है कि अपने को 10-15 दिन रेस्ट करना होता है, चाहे स्ट्रिप सर्जरी हो चाहे एफयू सर्जरी हो, 5-7 दिन काफी है रिकवरी के लिए, उसके बाद अपना रूटीन आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरा जो प्रोटोकॉल है उसमें अगले दिन से ही अपन नहाना और हेड वॉश करना स्टार्ट कर देते हैं, ये जनरली हर जगह नहीं होता है, बहुत सारे सेंटर्स में 3-4 दिन 5 दिन तक हेड वॉश नहीं किया जाता है। आई थिंक वो 5-6 दिन हेड वॉश नहीं करने से इन्फेक्शन रेट बढ़ता है और क्लीनिनेस कम रहती है। अगर आपने नेक्स्ट डे से जब हेड वॉश किया होगा तो ध्यान दिया होगा क्लॉट्स जल्दी क्लीन हो गए, 10-15 दिन में पूरे ही क्लीन हो जाते हैं जी। सबसे अच्छी बात, जो भी मैं ग्राफ्ट लगाता हूँ उसमें बार बार कोई सलाइन डालने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे सेंटर्स में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि स्प्रे दे देते हैं सलाइन का, कि आप सुबह दोपहर शाम 3-4 yes, मैंने सुना है। तो बहुत ही कंबर्सम, मतलब डिफिकल्ट हो जाता है पेशेंट, दिन भर वो जैसे कोई पौधों पे छिड़काव करते हैं इस तरह वो करते रहते हैं और गीला गीला सा रहता है, अजीब सारी सिचुएशन हो जाती है। बट इन जनरल मेरे सेंटर पे तो वो जरूरत नहीं है, आप बिना कोई स्प्रे के भी नॉर्मल एक बार हैंड वॉश कीजिए और अपना रूटीन काम कर सकते हैं। यस, मैंने वो एक्चुअली नोट किया था कि आपने मुझे प्रिस्क्राइब नहीं किया था, क्योंकि रिसर्च करते टाइम मैंने काफी देखा था और इनफैक्ट मुझे इस बात का एक कंसर्न भी था एक्चुअली, क्योंकि मैंने कोई आर्टिकल पढ़ा था कि जिसमें डॉक्टर ने कहा है कि ये आपको स्प्रे भी करना है बट यू हैव टू बी केयरफुल कि वो आप डैमेज भी ना करें। मैंने कहा कि क्या मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि डर लगेगा ना स्प्रे करना, एब्सोल्युटली जोर से ना हो जाए, तो इनफैक्ट स्प्रे की जरूरत नहीं होती है हमारे सेंटर्स पे, कभी भी स्प्रे के लिए नहीं एडवाइस किया जाता। आप कंफर्टेबल भी रहते हैं तो जितना आप कंफर्टेबली हील हो जाएंगे उतना आप काम पे भी ध्यान देंगे और उतना टाइम भी वेस्ट कम होगा। बिल्कुल।